अच्छा तनवीर भाई ने सफारी कंपनी जी मोटरसाइकिल वाली है उत्थे भी काम किया हो माशाल्लाह और हुण इन्हें पूछने कि इतने की काम कर रहे हैं। अच्छा तनवीर साहब तुम मैं ये दसो इतने लाहौर जौहर टाउन के काम कर रहे हो। इतने मैं हूँ चिकन का काम कर रहा हूँ तो नाल फ्रोजन दिया काम भी असं स्टार्ट किया हो। अच्छा फ्रोजन का काम तुसी जो फ्रोजन की डिलीवरी करते हो या फिर जै दुकान पर भी काम करते हो। असी दुकान पर भी काम करते हैं तो डिलीवरियां भी करते हैं। डिलीवरी जितों आई है नज़दीक नज़दीक दे एरिया कर देती है। यानी कि अगर मिनिमम भी करते हो तुसी कम से कम डिलीवरी तुसी किन्ने एरिया देंगे। कम अज़ कम जो टाउन के एरिए दें बाहर नहीं असी जाते। यानी कि 7-8-10 किलोमीटर तक तुसी जी फ्रोजन की डिलीवरी है वो देते हो। हाँ जी। अच्छा किन्ना अरसा हो गया तुम इतने काम करते हो। मैनू इतने 1.5 साल हो गए। अच्छा मैं जो मैं इतने आया तुसी जूता बहुत ज़्यादा मार रहे हो तो जूता तुसी कितों स्टार्ट किया कितों सीखिया तुसी जूता ये बचपन तो सी या फिर तुसी किसी को तुसी मोटिवेट किसी को सीखिया जूता। वैसे भी तुसी फैसलाबाद तो बिलोंग करते हो तो फैसलाबाद तो वैसे ही जूतों के हवाले में बहुत ज़्यादा मशहूर है। बस यही वजह वा क्योंकि असं फैसलाबाद के रहने वाले उत्थे तो हर बंदा जूतबाज आ। यही वजह वा क्योंकि उत्थे रहिंदे करके हर बंदा जूत मारदा तां करके बस दिमाग खराब हो गया। ठीक है। बेसिकली जो जूता मारन की तनवीर की वजह है कि यह फैसलाबादी है फैसलाबादी। अच्छा फैसलाबाद तो सब तो कड़ा इलाका मशहूर है जिते सब तो ज़्यादा जूता मारिया जाती हैं। सब तो ज़्यादा जो मशहूर इलाका वा माई दी झुग्गी आ फैसलाबाद जिते सब तो ज़्यादा जूतबाज रहेंगे। लो जी नाज़रीन तुसीं भी देखिया होना कि सुनिया भी होना अगर नहीं सुनिया अज सुन लो कि फैसलाबाद माई की झुग्गी जी जुगतों के हवाले न बहुत ज़्यादा मशहूर है। सुनिया भी होना बल्कि वो कि चैनल पर आंदा है जानी उनका नाम है मेरा ख्याल है जानी जुगतों के हवाले न फैसलाबाद ही है और ज़्यादातर वो देखा जाता है माई की झुग्गी उत्थे जाके जुगत वगैरह उन्होंने अपना पेज भी बनाया और यूट्यूब चैनल वगैरह भी बनाया और बहुत ज़्यादा फेमस है जुगतों के हवाले न। अच्छा तनवीर साहब तुम अगर साढ़े नाजरीन जुगत वगैरह सुना चाहोगे की जुगत मानो सैंसदान बन गए तो सारे चंद जान की सोच ली तो कहता जी लाहौर वाल की जान दो दाता साहब लंगर लैना। ठीक है। इसके अलावा कोई बिल्लू नु ला बिल्लू बेची दे आले दुआले तुरा फिरदा मैं कह इहदी गलाब दा कहंदा मैं इहदी किक लभन लिया। ये भी अच्छी है कि हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द घूम रहा हेलीकॉप्टर की किक कहां से आई भाई। इसके अलावा कोई तीसरी जोक सुनाए। हेलीकॉप्टर नु छत वाले पखे दा ला दिंदा ते कहंदा तैनू पता ते मैनू पता हेलीकॉप्टर नु ते नहीं पता। लो जी नाजरीन ए ने साढ़े तीसरे इंटरव्यू देने वाले बंदे ये भी साढ़े रूममेट ने साढ़े रूम के रेंदे ने भी इतने जौहर टाउन लाहौर के इन्हां कोलों पुछने इन्हां दी लाइफ दा बैकग्राउंड कित्थों बिलोंग करते ने और किन्ना इन्हां दा एक्सपीरियंस है की काम करते ने सारा कुछ तुहानूं दसने आ इन्हां दी जबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा तुहाडा नाम की है पहलू साढ़े नाजरीन अपना नाम दसो जरा उच्ची। जी मेरा नाम मुहम्मद नदीम सदीकी है। तो अच्छा मुहम्मद नदीम सदीकी इन्हों का ना है तो कितों तुम यानी कि पिछू तुम कितों हो। मेरा जी ज़िला जांगे तो तहसील अहमदपुर सियाल है। ज़िला जंग तू बिलोंग करते हैं तहसील जड़ा है अहमदपुर है। अच्छा नदीम साहब तुम इतने जौहर टाउन लाहौर के काम करते पे हो। जी मैं चिकन का काम कर रहा। अच्छा नदीम साहब भी चिकन का काम कर रहे हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल है। और नदीम साहब कितनी देर तो चिकन का काम कर रहे हो। तकरीबन मैंने हो गए 4-5 साल। 4-5 साल चिकन का काम कर रहे हो इतने इस इतने 4-5 साल हो गए ने या पहले भी कितने किया हो काम। पहले भी 2-3 जगह तो किया है लेकिन हूँ इतने मैंने तकरीबन 2-1 साल हो गए। 2-1 साल इतने जौहर टाउन लाहौर के हो गए ने 3 साल पिछे किया होगा टोटल इन्हों का जोड़ा है 5 साल का चिकन का जोड़ा है इन्हों का एक्सपीरियंस है 5 साल चिकन का अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा हूँ इन्ह को पूछने पहले जो साढ़े भाई से कह रहे थे 1.5 किलो अगर मुर्गी है उनकी सफाई करके 1350 ग्राम रहा है हूँ इन्ह को पूछने जी नदीम साहब तुम दसो थोड़ा भी एक्सपीरियंस 5 साल का अगर 1.5 किलो की मुर्गी है और सफाई करके किन्ने रह जाएगी। जी जिस तरह दूसरे भाई ने पहले किया कि 1300 ग्राम 150 ग्राम सफाई जाती है 1.5 किलो के अगर ज़्यादा सही सफाई करोगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करोगे ना तो 50 ग्राम ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है ठीक है। तो 150 ग्राम जितने होनी उतने 200 ग्राम हो जाएगी। ठीक है यानी कि अगर ज़्यादा भी सफाई करिए तो 1.5 किलो के सिर्फ
200 ग्राम की सफाई ही जाएगी। अच्छा हुण तुसीं जिहड़ा है साडे नाज़रीन नूं कुछ नवां की सुनाना सुनाओगे, तुसीं इदू 2-3 दिन बाद तुहाडी शादी सी और सानूं उहदे बारे दसो कि शादी तुहाडी कैसी रही है। इह सुणिया सी कि शादी तों बाद, बल्कि तुहाडी तां नवीं शादी, तुहानूं तां अजे नहीं इन्ना पता होना कि शादी तों बाद की मामलात जिहड़ा है हुंदे ने। कईआं नूं सुणिया कि शादी तों बाद बिल्कुल दुख ही दुख ने, शादी नहीं करवानी चाहीदी, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? जी पहली गल तो यह कि लोगों का गलत जहन है कि शादी तो बाद बंदे औखे हो जाते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शादी तो बाद बंदा अपनी ओरिजिनल लाइफ दे विच आ जाता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि बंदा शादी तो बाद तंग हो जाता है, एक बंदा तंग करने वाला आ जाता है, लेकिन नहीं, वो तुहाडा जिंदगी का साथी होंदा है, उहदे नाल बिल्कुल मुहब्बत दे नाल ते प्यार दे नाल अच्छा सलूक दे नाल उहदे नाल रहा जाए जाना चाहिए, ठीक है। लोग बस अपनी गल्लां करते हैं, खुद तंग होंगे तो दूसरे ने कहते वो आ गई तो मैंने तंग करने लग गई, लेकिन यह गल नहीं होंगी। कि नाज़रीन नदीम साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल शादी करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, जिहड़ा है अगर वाइफ है वो अपने नसीब नाल लैके आती है, और यह बिल्कुल हकीकत में अपनी गल है। और बाकी अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि शादी उन्हां दी सुन्नत है और शादी बिल्कुल करनी चाहिए। होर इस तों अलावा साढ़े नाज़रीन नूं तुसीं की सुनावोगे? ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਨਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਹੋ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੂਮਮੇਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ, ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਚਿਕਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ? ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਲੋ ਦੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਦੀ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਫਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 1350 ਗ੍ਰਾਮ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਕਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫੀ ਚਿਕਨ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿ ਗਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਹਾਂ ਦਿਲ ਲਿਮਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 4th ਬੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 5 ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5ਵਾਂ ਮੈਮ ਆ, ਉਹ 4 ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ 4th ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ,
और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਮਮੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਅਸਰ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਸਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਰੂਮਮੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੂ ਕਸਾਈ ਅੱਛੂ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖੜ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੀਫ ਮਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੀਫ ਬਲੈਕ ਬੀਫ ਤੇ ਮਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛੂ ਕਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਬੀਫ ਦਾ ਤੇ ਮਟਨ ਦਾ ਅੱਛੂ ਦੁਪੱਟੂ अच्छा तुसी ये दसो कि तुसी छोटा गोश्त और वड्डा गोश्त खुद करते हो बकरा मंडी चो लिया के या फिर बना बनाया तुसी कमेले लैके आते हो ये छोटे जे जानवर लैके आई जन मसलन बकरी होगी बकरा हो गया मुझे आके फिर वड्डा जानवर जी कटे कुटे दा वो असी उतो कमेले जो लेई जाई नाजरीन कह रहे हैं अच्छुक साई साहब कि असी जड़ा है बकरा मंडी तो लैके ताज़ा खरीदा है और जरा बड़ा गोश्त है कमेलियों लेके आई है साफ सुथरा गोश्त अच्छा कि रेट की है बकरे का हम रेट की चल रहा है कि साफ बकरा वारा खा रहा है जो रेट चल रहा है मंडी के बकरे का रेट की है लो है या रेट बहुत ज़्यादा है बहुत हैवी रेट है जी बकरे का हम बकरा तकरीबन 16-17 सौ रुपये किलो मिल रहा है असी बकरियां लिया के खरीदियां जी सा 1,080 रुपये रेट है जी नाजरीन अच्छुक साई साहब कह रहे हैं कि वैसे तो रेट बकरिया के मंडी के बहुत ज़्यादा हाई ने तो असी साडा क्योंकि गोरमेंट का फिक्स रेट 1,080 रुपये इस वास्ते असी कोई नवी जी पठ जरा है वह करके असी वह लोगों को देने अच्छा तो बड़ा गोश्त बड़ा गोश्त हड्डी वाला है जी 590 रुपये तो बगैर हड्डी का 700 रुपये की रेट हड्डी वाला ठीक है हड्डी वाला 590 रुपये और जो कीमा है वे गोश्त का 700 रुपये जरा है किलो गोश्त से फिर भी बिल्कुल ठीक है जरा है रेट ज़्यादा नहीं है 590 रुपये और 700 रुपये रेट अच्छा अच्छुक साई साहब थानू दसो कि लाहौर थानू कैसा लग गया पिंड ठीक है या लाहौर ठीक है पिंड ठीक है जी पिंड क्यों ठीक है खुला माहौल होता जी इतने शहर की जिंदगी है बहुत तंग जी जिंदगी है जी इतने गर्मी बहुत ज़्यादा जी खुली आबो आ वैसे मैं तो तुम्हें कई बार सुने कि तुम कहें जिंदगी शहर आई तो ये इंटर बारे तो ख्याल है हम तुम यानी कि पिंड का कह रहे हो पहले वैसे मजाक वगैरह करते मजाक करी कि अच्छुक साई के मुताबिक है कि पिंड की लाइफ खुला माहौल खुली फजा ठीक है उतों की लाइफ ठीक है शहर की जिंदगी ठीक नहीं है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।